सर शुक्ला भैया जो भोजनालय के पास कुर्सियां उसको जरा सा समेटवा लीजिए, नहीं भीड़ तो जैसे टूट सकती है, बगल करा दीजिए छह सब लोग आराम से आप लोग। लेकिन मंच पे कृपया बहुत ज्यादा धक्का मुक्की न करें, बारी बारी से सबको मौका मिलेगा, जितने भी लोग माल्यार्पण करना चाहते हैं। उदय भान करवरिया जिंदाबाद, नीलम करवरिया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सभी लोगों से एक आग्रह है, तो लगा कि लोकप्रिय विधायक नहीं कहूंगा तो शायद आप लोग मेरे बारे में भला बुरा करने लगे, क्योंकि लोकप्रियता जब होती है तभी आप आते हैं। आज के युग में कोई अगर किसी के यहां जाता है तो उसका स्वभाव होता है, जाने वाले का नहीं। मैं कई बार पत्नी से भी कहता हूं कि बहुत से नेता ऐसे ऐसे जिनके दरवाजे पर दो आदमी भी अपनी अर्ज लेकर के नहीं पहुंचते, वो जानते हैं कि कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन तुम्हारा सौभाग्य है कि सुबह से शाम तक अगर तुम्हारे सामने लोग बैठे हैं, अपनी बात को कर रहे हैं, तुमसे टेलीफोन करा रहे हैं, तो ये सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास लोग आ रहे हैं अपनी समस्या को सुना रहे हैं। मैं एक चीज और कहता हूं, बहुत से लोग गांव से लिहाज करते हैं तो कहते विधायक जी आपने बहुत हमारे ऊपर कृपा किया, बहुत दया किया, आपने हमारा ये काम कर दिया। मैं फिर सोचता हूं कि पहले तो विधायक के ऊपर कृपा आपने किया था, भाई अगर आपने विधायक को बनाया होता तो विधायक आपका काम कैसे करते। मातृशक्ति जो बाएं हाथ बैठी हुई, मैं आपके विधायक का संबोधन भी नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा फसो केस में फंसा है। मैं लोकप्रिय विधायक भी कहना चाहता था, जुझारू विधायक भी कहना चाहता था, लेकिन इधर दो महीने से मैं जब से कारागार से नवासी मार्गों का निर्माण कराया गया, 189 189 सड़कें बहुत होती हैं, छोटी से लेके बड़ी तक 189 सड़कें आपकी पूरी विधानसभा में निर्मित कराई गई हैं। रेलवे लाइन के ऊपर और नीचे जो ओवर ब्रिज रहता है या अंडरपास रहता है वो बिसाईजन उचटी उमापुर बामपुर में शायद काम चल रहा है। कोई है उस गांव के लोग? एक दुर्भाग्य और सौभाग्य की बात आपको और बताऊंगा, जब लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया तो चार मीटिंगें किया, जरा शांत हो आप, दो मिनट बाद बाबा, दो मिनट रुक जाओ, दो मिनट प्रताप शुक्ला प्रचंड। 89 मार्गों का निर्माण कराया गया, 189 189 सड़कें बहुत होती हैं, छोटी से लेके बड़ी तक 189 सड़कें आपकी पूरी विधानसभा में निर्मित कराई गई हैं। रेलवे लाइन के ऊपर और नीचे जो ओवर ब्रिज रहता है या अंडरपास रहता है वो बिसाईजन उचटी उमापुर बामपुर में शायद काम चल रहा है। कोई है उस गांव के लोग?